अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो गाइस, रमज़ान मुबारक आप सबको। अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। मौसम जो ठंडा हो गया, अभी गर्मी जल्दी नहीं आई। खैर, हरियत से रोज़े गुजरे रमज़ान, और तबीयत तो सबकी ख़राब है, बाहर की वबा आई हुई है हर तरफ। तो हम चलते हैं जी अंदर किचन की तरफ। आज मैंने टेबल मैट चेंज किया है, ये देखिए। ठंडा ठंडा रोज़ा, और ये किचन की हालत है। कुकर दो लगे हुए हैं, और बाकी ये अभी मैं समेट रही थी चीज़ें सारी। गला ख़राब है, तो शायद मेरी आवाज़ जो है वो लाउड पे ना आए, बिकॉज़ अगर लाउड करूँगी मैं, ऊंचा बोलूँगी तो गला ख़राब हो जाएगा। सो अभी रमज़ान में जो किचन की सूरत हाल है वो ये, अफ्तारी टाइम फ़ौरन से बर्तन निकालो, फिर इधर फेंको और उधर फेंको। अभी इन सबको क्लोज़ करना है, सेट करना है, फिर अफ्तारी के टाइम पे इंशाल्लाह हमने आज चाट बनानी है। कोशिश है साथ थोड़ी सी बिरयानी बना लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। कल समोसे थे, सो एक एक दिन करके हम अपनी चीज़ों को चेंज करते जाएंगे। तो सब के लिए बेस्ट विशेस के रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला सब के हाल पे करम करे और हमारे हाल पे भी करम करे। चलो, हम लकी हैं कि हमें इस दफ़ा भी रमज़ान का महीना जो है वो नसीब हुआ है। हम में से कितने हमारे दोस्त, अहलो, अयाल, अज़ीज़ जा चुके हैं रमज़ान से पहले ही, कोई रमज़ान में जा रहे हैं, रोज़ ऐलान हो रहे हैं। सो गाइस, किसी से भी अगर कोई भी नाराज़गी है तो रमज़ान में ख़त्म कर दें, रमज़ान के महीने के सदक़े अल्लाह ताला को खुश करने की नीयत से, क्योंकि कोई पता नहीं कि कल की सुबह है या नहीं। सो इंशाल्लाह भी मेरे व्लॉग्स आएंगे रमज़ान में, आप लोगों ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, काफ़ी टाइम के बाद करना, बिकॉज मेरा दिल ही नहीं था रहा व्लॉगिंग का या कुछ। बिजी भी थी पार्लर में, कोई अच्छा वो बंदे को रिस्पांस मिले, बंदा मेहनत करे इतने घंटे की वीडियो और सब कुछ करके, तो वो फिर टाइम जो है आपका वेस्ट होता है। चले, कोई बात नहीं, ट्राई ट्राई अगेन है। सो गाइस, अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरा जो है वो बिरयानी के चावल, बिरयानी के बॉयल हो रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही मैंने इसका जो चिकन है उसको रखा हुआ है ताकि थोड़ी बहुत जो इसकी कसर है वो निकल जाए। स्टीम आ रही है, कैमरा पर साफ़ करती हूँ। साथ में यहाँ पे जी हमने चाट का तैयार कर लिया, मैंने आलू काट लिए, चने भी बोल लिए, दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। मैं इनमें टमाटर ऐड करने वाली हूँ, और साथ ही मैंने वो सैरी के लिए थोड़ी सी दाल, सफ़ेद लोबिया, और इसका भी प्याज और लहसुन वगैरह, इसको मैंने रेडी कर दिया है। प्याज भी काट चुकी हूँ चाट का, स्ट्रॉबेरी भी काटनी है, काफ़ी सारा इधर मैस बना हुआ। इधर इमली भी रखी हुई थी, ये मैं इंशाल्लाह इसको चाट में ऐड करूँगी। तो गाइस, इंशाल्लाह हैर हरियत से बस टाइम पे सारी चीज़ें जो है वो रेडी हो जाएं। टेस्ट तो नहीं कर सकते आप, बिकॉज़ क्या पता टेस्ट कैसा है कैसा नहीं, तुक्के वाली बातें हैं।